छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी करने का प्रावधान था। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस वजह से परिवहन लेट होता था और भ्रष्टाचार भी उसमें काफी बढ़ गया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछली सरकार के इस कानून को निरस्त कर दिया है। वहीं अब उर्वरक ऑनलाइन टीपी जारी होगा। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था, संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववर्त ऑनलाइन टीपी जारी होगा।